इलायची के पापा, जितना टाइम तुम हुक लगाने में लगा रहे हो ना, उतना तो दर्जी ने सीने में ना लगाया होगा। अरे इससे अच्छा तो वो नाड़ा बांध देता ना, तो मैं आराम से उसे कस देता। बात करनी बेकार की है। सुन एक काम कर, तू जरा जोर से अंदर सांस खींच। अरे इलायची के पापा, सांस छोड़ने को भी तो बोलो बाहर, वरना मोरनी की तरह मेरा पूरा शरीर नहीं लपट जाएगा। एक मिनट रुक जा। हो गया। इलायची के पापा, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे एकदम खाते पीते घर की मोरनी लग रही है। क्या इलायची के पापा, इतनी मुश्किल से तो मैं ये मोड़नी वाले ड्रेस के अंदर फंसी थी। दो बोल प्यार के नहीं बोल सकते थे, मैं तो भागी फूट गए। आज मेरी शेरनी जो है मोड़नी बनी है ना। सुन चल बाहर चल के बारिश का मजा लेते हैं। हाँ, बारिश आ गई। मेरे तो भागी खुल गए। इलायची के पापा, बारिश तो बंद हो गई। दगाबाजी हो गई है। इतना तैयार होकर आए हैं? ये ऊपर वाला भी ना ऊपर बैठे बैठे मजाक कर रहा है हमारे साथ। डंग डंग चुंग डंग डंग। जीजा, ये कौवा बने क्यों घूम रहे हो भैया? क्या बात हो गई? अबे आंखों की जांच करवा ले तू, हैं? कौवा बने घूम रहे, मोर बने हैं, मोर बात कर रहा है। अब बने चाहे तुम जो भी हो, जो मुझे दिख रहा है मैंने बोल दिया, साफ सी बात है। अरे भाई, बरसात के दिन आने से एक फायदा हो गया, ये गर्मी की जो शिकायत थी ना उससे बच गया मैं। अबे ठीकन छी जी पंचम। हाँ पंचम, सुन बरसात रुकने का ये मतलब ना है कि तू अपने अपना छलकाव शुरू कर दे। बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी वो बारिश से हमें एलर्जी है सेठ जी। हाँ वो तो तेरी शक्ल देख के ही लग रहा है कि तू पिछले जन्म में जो है रेगिस्तानी उठ रहा होगा। काम कर काम कर। अरे तू तो सब भिगा देगा मेरे लहंगे। सॉरी सेठ जी। अरे सेठ जी ले जी। हाँ बैठी। अरे सेठ जी मैं ये कह रहा हूँ, बारिश आ गई है, मैं आपको याद दिलाने आया हूँ। याद दिलाने क्या? अरे तू क्या याद दिलाएगा यार छोटे है? मुझे याद है, मैंने अपने सारे जो फटे हुए जो मेरे वो थे ना चाहते, वो मैंने सिलने दे दिए, मुझे याद है। सेठ जी तुम बहुत बड़े वाले हो, भूल गए तुमने मौसा से क्या वादा किया था कि कल अगर बारिश होगी तो तुम फालूदा और रबड़ी खिलाओगे। अबे तो मैं अपने वादे से कम कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन ऐसी बरसात में अगर तुम रबड़ी और फालूदा खाओगे तो ठंड लग जाएगी। पर सेठ जी ठंड है का? नौकरों तो ऐसा जो अपनी जेब से पैसा खर्च करके अपने मालिक का वचन निभाना चाहता है। बहुत बढ़िया पापा। हाँ बेटा। गर्मा गर्म पकौड़े मम्मी की रसोई से। अच्छा अरे पहले बेटा इन लोगों को खिला, इन लोगों को खिला। खालो खालो भैया। और सुनो अगर पेट में बाकी जगह बचे तो मैं रबड़ी और फालूदा भी मंगा दूंगा। दिया बेटा दिया। हाँ तो वो भी मंगवा लो। लीजिए। ऐसी बारिश में गरम गरम पकौड़े खा के मतलब आत्मा तृप्त हो गई मेरी। अरे भैया और खाओ और खाओ। सुन बे, तूने जो अभी इस पे छड़काव किया है ना, तो अब तू ही खा ले। ले उठा ले उठा ले उठा ले सब उठा ले ना, उठा ले सब उठा ले। जी सर जी। हाँ उठा उठा। आंटी जी पकौड़े इतने अच्छे ना, मैं बता नहीं सकती आपको। अच्छा तो लो खाओ अच्छे अच्छे, मेरा मतलब गर्मा गर्म पकौड़े। थैंक यू मिंटू भाभी।
पिंटू भाभी, हाँ जी, आप ना मुझे भी पकौड़े बनाना सिखा देना, मतलब शादी के बाद आप बनाओ मैं खाऊं, अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, मेरा मतलब है जब आगे जाके मेरी शादी होगी, मैं अपने घर जाऊंगी तो मुझे भी पकौड़े बनाने आने चाहिए ना, है ना आंटी जी? बेटा अभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। मम्मी हाँ पकौड़े खत्म हो गए, और दो। हाँ दे दे दो। सुनो वो मिर्ची वाले देना, पापा को चाहिए है। पर तेरे पापा मिर्ची वाले पकौड़े ज्यादा तो नहीं खाते? हाँ तो मन कर गया, अब उनका मन मारोगी क्या? और वैसे भी जिनसे हम प्यार करते हैं उनका दिल रखना, उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज होता है। किसने? अच्छा ठीक है तो ले जा। हाँ अच्छा सुन, तेरे पापा को बोलना बहुत ज्यादा नहीं खाए, क्या है कि इस उम्र में ज्यादा तेज दौड़ नहीं पाएंगे तो टाइम पे बाथरूम तक नहीं पहुंच पाएंगे। डालो डालो। भाई और खाओ और खाओ। अरे आजा बेटा। अरे अरे एक मिनट पापा, ये आपके लिए नहीं है, एक्चुअली पिंटू पापा ने बड़े प्यार से स्पेशली जीजा जी के लिए बना के भेजे। जीजा जी लीजिए प्लीज, ये वाले लीजिए। पिंटू भाभी ने भेजे लिए। अच्छा सुन और लीजिए लीजिए ले लो बढ़िया। सुन अरे इनको भी दे, जा जा बेटा खिलाना। खाओ खाओ भाई खाओ खाओ, और जगह बचा तो बताइयो। कौन से गोभी के? मिर्ची के? ये तो खा के देखो तो। अरे हाय कढ़ाई से निकल के आ रही है, खा के देखो। हाँ यार मुझे भी दे। आहा मैं सोच रहा हूँ कि पालक और की गोभी 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 का बनवा लियो अगली बार। सन तूने जो इसे अपना आशीर्वाद दिया है ना, तब तू ही खा ले, ले ले सारे 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 ले ले सारे ले 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 सारे सारे ले ले। सर जी और ले आ बेटा, जाके जा और। हाँ ओके पापा जो भी देख लो। मैं क्या करी आंटी, ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में इन गरम गरम पकौड़े के साथ अगर देसी कड़क कटकने को, मेरा मतलब ऐसे गरम गरम पकौड़ों के साथ ना अगर देसी घी के कड़क पराठे जो है ना गटकने को मिल जाए तो मजा आ जाए। पकौड़ों के साथ पराठे, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ पिंटू। अच्छा अच्छा। अरे आंटी हमारे गुगू के काम सब ऐसे ही होते हैं, ऐसा लगता पहली बार देखो पहली बार सुने हो। इधर डाल दो एक। मम्मी थोड़े और देना पकौड़े। अरे ये तेरे पापा पकोड़े खा रहे हैं या गरीबों में बांट रहे हैं? अरे यार वो छोटे उनके मौसा जी भी है ना, वो सारे पकोड़े ही उड़ा गए, पापा को एक पकोड़ा नहीं मिला अभी तक। हाय राम मेरे तो भाग्य फूट गए। अब पकोड़े लेके जा और सीधे तेरे पापा को ही देना। ला पिंटू ये ले। क्या कर रही है यार, पूछना बंद कर। तू जो नई ड्रेस लेके आई उसमें फिट नहीं होगी, फिर पोछा बना देना उसका, रोती रहना फिर। नीलू तूने पहले क्यों नहीं बोला यार? मैंने ओफो इन लड़कियों का तो मेरी कुछ समझ में ही नहीं आता है। कितना टाइम लगा रही है ये? हो गया बे। मेरा मतलब है सर हो गया। हाँ मंगीलाल बस हो गया लगभग जी। मंगीलाल जी सर, पिंकी जी इस स्विमिंग कॉस्ट्यूम में कैसे लग रहे हैं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। साहब जी आप ना गुलाब का फूल लग रही हो जो पत्ता गोभी की साइज का है। अच्छा अच्छा कंपैरिजन अच्छा है। जी जी तो साहब जी आप बेंच पे लेट जाइए। ओहो मतलब कि स्विमिंग प्रैक्टिस से पहले मालिश। यस यस यस। पुष्पा
जी मंगी सर। इनसे फीस ली है? नहीं सर। एक काम करो, इनके पैंट की जेब से ना 500 निकाल के लेके आ जाओ। ठीक है सर। हाँ ले लो, इधर अंदर पैंट टांगी। ओके वांगी लाल जी, ये लो। ला ला ला, आराम से आइए। आ गया, आ गया। अभी बहुत बढ़िया, लेट जाइए, लेट जाए, पेट के बल लेट जाइए। ओके। सर ये लीजिए 500 रुपए। अरे वाह 500, अच्छा मिल गए जी। ओके आप बता जी। तो सर आप ना हाथ को ऐसे ऐसे चलाइए, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके जैसे कि कढ़ाई पे जलेबी छानते ना। हाँ। दोनों हाथ से ऐसे चलाइए। वो वाला? हाँ, हाँ। वो तो आता है पिंकी जी को, ये ऐसे ऐसे है ना जी। ले अरे ये तो यार बहुत ही आसान तरीका है स्विमिंग सीखने का। काश दोनों तरफ एक एक कढ़ाई भी होती ना तो पिंकी जी स्विमिंग करते करते कितनी सारी जलेबी निकाल लेते यार। सर तो है सर, लेकिन साथ साथ ना पैर भी उठाइए, मतलब चलाइए। पैर क्यों? हाथ और पैर ऐसे छटपटाइए, ऐसे छटपटाइए जैसे कि आपकी ना कोई रेसिपी किताब लेकर भाग रहा हो। ओह ऐसा, अच्छा ठीक है, ये तो ऐसे ऐसे ठीक है। बहुत बढ़िया सर। मतलब बचपन से दिल्ली में रह रही हूं। अरे सर चलाते रहिए नहीं तो डूब जाओगे आप। हाँ हाँ हाँ। अरे मगिला मजा आ रही है ना? बहुत मजा आ रही है मेरे को। बढ़िया ऐसा लग रही है मैं उड़ रही हूँ। अरे एक मड़ी लाई थी, रुक जा। क्या वो पकौड़े नहीं खाने क्या अब? अरे मुझे तो खाना है, पहले इन्हें खिला और जो बच जाए ना वो वहां गद्दे में रख दियो। जा खिला खिला खिला। सुनो अगर हो गया हो तो फिर रबड़ी मंगा दूं और। अरे नहीं नहीं सेठ जी, बहुत खाली है, हमारा तो हो गया गारंटी से। सेठ जी मेरा भी हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, सुन बेटा इलायची वहां गद्दे में रख दे, वहां वहां आगे, क्योंकि इसके यहाँ पे ये सरगम के रहते तो मैं यहाँ खाना पाऊंगा। सेठ जी पंचम। अरे यहाँ जो भी है हाँ रख दे। चल भैया ठीक है। अब मैं खाता हूँ। सेठ जी अब तू यही में पानी। ना 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 कहीं ना उठ के जा। अरे भैया अच्छी इलायची। हम्म, तू दूसरे जाके ले आई है पकौड़े। इलायची अपने पापा से कह दे पकौड़े खत्म हो गए हैं, अब और नहीं है। जीजी मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा देसी घी और डाल दे, तरावट आ जाएगी गले में। अरे पानी पी ले, गला उससे भी तर होता है, बात कर रहा है बेकार की। क्या बोल रहे हो पापा, एक चम्मच घी की वजह से हम लोग कंगाल नहीं हो जाएंगे? अरे शुरुआत ये चम्मच से करेगा और खत्म करेगा कटोरी पे। जीजी बड़े लीचड़ आदमी से शादी करवा दी मैंने तुम्हारी। अच्छा तू तो बहुत धन्ना सेठ हो रखा है, है? मोहल्ले में निकलता होगा तो ऐसे नोट उड़ाते हुए निकलता होगा, बात कर रहे हैं बेकार की। इलायची के पापा तुमको खाना है तो बोलो, मेरे भाई को खाते वक्त मत टोका करो। मामा मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कैसे कर लेते हो? अपना अपना टैलेंट है बेटा। अरे ना अपनी अपनी बेशर्मी है। जी जी चुप कर खेलते साहब देखो, वरना एक फैट में छज्जे से बाहर निकल जाएगा कि छटंकी बोलते हैं, मुझे बता रहा हूँ मैं। बातें कर रहे हो। और ये हुआ छटंकी मामा का बर्दाश्त करने का टैलेंट, बाउंड्री के बाहर छक्का। अरे सुन इनकी बकवास सुनने से तो अच्छा है न्यूज़ लगा ले, जरा पता तो चले कि किस जीजा ने जो है अपने साले का मर्डर किया है। मेरे तो भाग्य फूट गए। हो गई शुरू। बस रोती रहे,
ओके नमस्कार, हम दोनों न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। एक बुरी खबर है, मौसम विभाग ने चेतावनी दी, कल इंद्र देवता का प्रकोप होगा, मेघदूत धरती पर नाचेंगे। कहने का मतलब ये है कि कल भारी बारिश होने की आशंका है। इसके चलते जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अपने अपने घरों से तभी निकले जब कोई इमरजेंसी हो, क्योंकि अगर आप निकल लिए तो फिर निकल ही जाएंगे, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद। जी जी, मैं कुछ सोच रहा हूँ, आज रात मैं यहीं पर रुक जा रहा हूँ, बरसात में कहीं इधर उधर भटक गया तो मेरी बहन को छटंकी की टेंशन हो जाएगी, काम खाई तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। अरे न्यूज वाले भी बेकार की न्यूज देते हैं, पिछली बार कह रहे थे कि वो आएगा बवंडर, शहर का सारा कचरा बाहर चला जाएगा, ये यहीं बैठा हुआ है। छटंकी भैया तुम इनको छोड़ो, हाँ तुम आज रात को यहीं रुको, बहुत बारिश होने वाली, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे सुन तो, अब चल ठीक है, चल मान लेते हैं कि ये खबर जो है सच्ची है, लेकिन बरसात तो कल आने वाली है, आज रात को रुक के क्या करेगा, चल भैया निकल ले तू यहाँ से, चल 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 निकल जा, जा। जीजा एक बात बता, मेरे यहाँ रहने से तुझे क्या तकलीफ है, मैंने तेरी कौन सी सांस की नली में पैर रख दिया, फालतू की बातें कर रहा है। देख रही है, देख रहे, देख ले, देख ले, देख ले, अपने भाई को देख ले, खुले आम धमकी दे रहे मुझे। पापा यार आप भी कम नहीं हो यार, एक रात में क्या बिगड़ जाएगा आपका, रह जाएंगे तो। अरे जब पहली बार आया था ना तो बोला अपनी बहन के हाथ का खाना खा लूं, तब से ना इसका खाना बंद हुआ ना आना, अगर एक रात रुक गया ना तो आंगन में कली कमरा बनवा लेगा अपना रहने के लिए, बात कर रहा है बेकार की। ऐसा है ये जो बातें कर रहा है ना बड़ी बड़ी, छटंकी के सामने मत करना, छटंकी अपने रहने का इंतजाम चुटकी बजा के कर सकता है, समझे, बातें कर रहा है। तुझे कितनी देर लगेगी जेल जाने में, वहां तो तेरा गद्दा पहले से ही लगा होगा। अरे बस भी करो यार पापा। अरे बेचारे छटंकी मामा कहाँ जाएंगे, इसे कहते हैं मेरी भांजी, कितना ख्याल रखती है हमारा। जी जी ऐसा है, मैं बरसाती में जाके सो जाऊंगा, कोई टेंशन ना, वहां लेट जाऊंगा मैं। ओए नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं जा सकते हो यार, मेरा मतलब है कि पिंटू भाभी है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है वहां नहीं जाना। तो ठीक है, मैं मेरा क्या है, मैं इतना बड़ा घर है, सोफे पे जाके सो जाऊंगा, उसमें क्या है। क्या बारात जा रहा है क्या, तू बारात जाता है तभी दाढ़ी बनती है तेरी। अरे छोटे क्या हो रहा है। अरे आओ आओ मौसा, बहुत बढ़िया, बड़ी लंबी उम्र है, तुम्हें याद कर रहा था। अच्छा बोलो क्या पियोगे। वाह बेटा वाह छोटे, आज बड़ा प्यार आ रहा है छोटे मौसा पे। अरे मौसा क्यों ना आएगा, तुम भगवान हो, भगवान परमात्मा का अवतार हो, मैं कह रहा हूँ कसम से कह रहा हूँ, देखो तुमने बोला बारिश आई, बारिश आ गई, कमाल है मौसम, महान हो तुम, महान। अरे नहीं बेटा नहीं, ये सब तो ईश्वर की महान कृपा है भाई। ना ना ईश्वर की तो कृपा है, लेकिन साथ में मौसा तुम्हारी भी कृपा है। मौसा एक काम करो, मैं जो जो बोलू ना तुम मेरे साथ दोहराओ वो चीज, बोलो। हाँ बोलो। छोटे छोटे तेरी दुकान में, तेरी दुकान में मुंह सीधा कर ना, मुंह सीधा कर। अरे ये इससे कह रही हूं, तुम बोलो तेरी दुकान में, तेरी दुकान में गड़ा हुआ धन निकलेगा। मैं ऐसे नहीं बोल सकता, मेरे बोलने से कुछ नहीं हो रहा। कैसी बातें कर रहे हो मौसा, जब तुम्हारे बोलने से बारिश हो सकती है तो तुम्हारे बोलने से गड़ा हुआ धन क्यों ना निकलेगा मेरी दुकान में। अरे बेटा वो तो वैसे ही दिल में बात आई इसलिए निकाल दी, बोल दिया। मौसा जी बहानेबाजी मत करो, मैं कसम से कह रही हूँ बहानेबाजी मत करो, वरना मेरी दुकान से गड़ा हुआ धन निकले ना निकले तुम जरूर निकलोगे गड़े हुए। अबे ठीक से बात कर ले, ठीक से सबर कर ले सबर, जिस दिन गड़ा हुआ धन निकलना होगा ना तेरे बोलने से पहले मैं खुद ही बोल दूंगा, समझा। अरे आओ आओ सेठ जी, सेठ जी ये निपट गया, आओ तुम्हें निपटा दूं। क्या? अरे मसाज कर दूं, मालिश कर दूं। अरे मैं ना घर आ रहा हूँ यार, आज जो है बहुत हलवा पूरी पेल के आ रहा हूँ। और मसाज जी बताओ क्या हाल चाल है, सब बढ़िया। अच्छा एक बात है मसाज जी, भैया आपके कह रहे थे जो है बारिश, आपने कहा बारिश हो गई, अब मेरा हाथ देख के ये बताओ कि मेरे हाथ में विदेश जाने की रेखा है या ना है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये लहंगे की दुकान की एक ब्रांच जो है लाजपत नगर में खोलना चाह रहा हूँ, तो वो इस हाथ में लिखा है या ना लिखा है भविष्य का जरा बताओ। हे भगवान, इस सेठ जी का चेहरा तो कुछ और ही कहानी कह रहा है, अकाल मृत्यु
पानी में डूब कर ये सेठ जी तो अगले दो दिन में पानी में गोते खाकर मरने वाले हैं, और अगर सेठ जी को ये बात बता दी तो बेचारे डर के मारे दो मिनट में ही लुढ़क जाएंगे, और अगर छोटे को बता दिया तो इसके पेट में बात पचने वाली ना है। ये भगवान क्या करूं मैं। ओफो, अरे क्या हुआ मौसा जी, बताओ तो क्या भविष्य है? गीला गीला है? मतलब पानी में डूबा हुआ। क्या कहना चाह रहे हो, मेरी को समझना आ रहा? खुल के बताओ भाई। सेठ जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, पानी से खतरा है आपको, मतलब कि बीमार होने की आशंका है, इसलिए आप जरा पानी से दूर ही रहें तो अच्छा है। जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। सेठ जी मौसा सही कह रहे हैं। क्या है कि चांदनी चौक का हाल तो तुम्हें मालूम है। कसम से कह रहा हूँ, बारिशों के मौसम में चांदनी चौक की गलियों में, चांदनी चौक की नालियों में सब एक हो जाती है, कोई फर्क ना रहता, और बीमारी होती है तो अलग से। इसलिए मैं कह रहा हूँ हलवा पूरी कम पेलो। अभी अभी आई ताजा खबर के मुताबिक यमुना नदी का पानी बौखला कर दिल्ली पर हमला बोलने की तैयारी कर रहा है। पानी का स्तर खतरे के निशान पर आ गया है और यमुना नदी किसी भी वक्त बाढ़ के साथ शहर की गलियों और चौराहों पर कब्जा कर सकती है। कृपया सभी लोग सावधानी बरतें। और इलायची कैसी है? अरे यार, अरे लगता है ये बाढ़ सेठ जी को अपने साथ ही लेकर जाएगी। अरे रे मत तू मरे रे मेरी मैया, कुरते मैं घुसो ततैया, कुरते मैं घुसो ततैया, कुरते मैं घुसो ततैया, कुरते मैं घुसो ततैया, कुरते मैं घुसो। क्या है हैं? अबे साले क्या जरूरत थी, मिर्ची के पकोड़े भेज दिए तूने? अबे साले फालतू की बात ना कर, ये कांड मैंने ना किया, ये सब किया था तेरी इलायची जी का है, जाके उनसे बोल। अबे तो रोक सकता था ना बहाना लगा के? रोक सकता था, मैं तेरी लुगाई ना हो रखा हूँ यार, मैं दोस्त हूँ तेरा लंगोटिया यार। यार यारी दोस्ती भी हंसी मजाक तो चलता है ना। अबे साले तक तू दे रहा, तू हंसी मजाक के चक्कर में ना मुझे 6 बार शौचालय जाना पड़ा है। हाँ तो ठीक है, कौन सा किराया पड़ता है शौचालय का, अब पेट साफ हो गया तेरा, अच्छा ही रहा। तेरी तो कुछ भी तेरे ढोलकी मार देंगे। चीजें जी छोड़ दे। सॉरी 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 ना ना इलायची जी, ऐसी कोई बात ना, वो कहा ना बिस्तर में ना ततैया घुस गयो ततैया, तो हम ना दोनों लोग मिलके भाई को ढूंढ रहे थे, मान निकले टांग आओ। आप कुछ काम से आई थी क्या? जी पिंजू भाभी एक मिनट। सुनू हाँ? तो यहाँ म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा मेरा, यहाँ हाँ? बिस्तर पे हम लोग सो जाएंगे और पिंचू भाभी और जीजा जी नीचे गद्दा लगा लेंगे। हाँ? हाँ, हाँ, ठीक है। वहाँ पर वो तेरी बुक्स रख देंगे ऊपर सारी। इलायची जी आप किस बारे में बात कर रही हैं? शिफ्टिंग की, हम लोग ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.